कहा जाता है हर चीज़ की एक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए घर पे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम हर चीज़ को जगह दे पाएँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आप कैसे करके अपना काम कम कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम वही शेयर करने वाले हैं। तो आज ऐसे ही 22 स्मार्ट एंड जीनियस होम हैक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ नो कॉस्ट DIYs के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, लाइक ज़रूर कीजिएगा। किचन में टॉवल्स की ज़रूरत तो हम सभी को पड़ते हैं, अब किचन में टॉवल स्टैंड हो ज़रूरी भी नहीं है। चलिए आज वही बनाते हैं, और किचन के टॉवल्स जो गिरते रहते हैं सबसे बड़ी दिक्कत देते हैं। आज हम यूज़ करने वाले हैं फेस मास्क, जो कि यूज्ड फेस मास्क होते हैं, वन टाइम यूज़ होते हैं और उसके बाद डिस्पोजेबल होते हैं। उन्हीं का यूज़ करके हमने उनमें से उनकी वायर निकाल ली है, जो नोज़ पर लगती है, जिसको आप एडजस्ट करते हैं, वो वायर आप निकाल लीजिए और इवन फेस मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस वायर को एक चिमटी में लगाने वाले हैं। आपके पास किसी भी तरीके की घर पे चिमटी होगी, उसके अंदर इसको इस तरीके से डाल के एक लूप बना लीजिए। मेरी किचन में कोई भी टॉवल स्टैंड प्रोवाइडेड नहीं है, उसके लिए मैंने सक्शन हुक का यूज़ किया है। अब हम ये जो हमने स्टैंड बनाया है और जो हमने लूप बनाया है, इसको यूज़ करेंगे। जस्ट इसको इस सक्शन हुक पे मैंने टांग दिया है, चिमटी की हेल्प से मैंने एक साइड पे टॉवल को हैंग कर दिया है, और अब आप इस टॉवल को जैसे मर्जी यूज़ कीजिए, ये कहीं गिरने नहीं वाला और बहुत ईजिली सूख भी जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा। इवन विंटर्स में भी ये गीला नहीं रहने वाला है, जितना मर्जी खींचो तानो, बट ये अपनी जगह से हिलने नहीं वाला है। क्या सोच रहे थे, फेस मास्क के यूजेस खत्म हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको बहुत सारे आगे यूजेस बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट यूज़ है, आप इसको एज अ वायर बाइंडर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका लूप वगैरह नहीं बनाना है, इस तरीके से जस्ट वायर को रैप कर दीजिए, आपकी वायर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, रैप हो जाएगी, इधर उधर फैलेगी नहीं। डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र में आपने देखा होगा, सुना होगा मैं आपको वायर के बारे में क्या बताती थी। नेक्स्ट यूज़ है, आप इस तरीके का स्पाइरल एक रिंग बना सकते हैं वायर के आजू बाजू, जिससे कि आपकी वायर की जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाएगी, इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, वायर टूटेगी नहीं, जो साइड से ब्रेक हो जाती है वायर वो नहीं होगी। अरे रुको रुको, वायर की बात कर रहे हैं तो वायर अरेंज करने के कुछ और तरीके भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो एक तो है, जैसे हम वायर नॉर्मल रैप करते हैं इस तरीके से, बट इस तरीके से बहुत जल्दी वायर खुल जाती है, तो आप इस तरीके की चिमटियाँ यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए वुडन चिमटियाँ ही यूज़ कीजिए, मेटल की चिमटियाँ ना यूज़ करके, बिकॉज वो जंग भी पकड़ लेती हैं, आपकी वायर भी कट सकती है उससे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिप यूज़ कर लिया, और दूसरा है ये वेलक्रो टेप्स, बहुत ही अच्छी रहती हैं, वायर को बहुत अच्छे से जकड़ के रखती हैं, वायर इधर उधर खुलती भी नहीं है, और ये वाला जो आइडिया, ये मुझे बिल्कुल बेस्ट लगता है। अब इस तरीके से देखो, सारी वायर्स अरेंज हो चुकी हैं, एक छोटे से कॉम्पैक्ट डब्बे में भी आ जाएंगे। इवन आप वायर्स इस तरीके का जो वायर बाइंडर आता है इनिशियल वायर्स के साथ, जो न्यू वायर्स के साथ आता है, वैसे भी रख सकते हैं। ये छोटी सी जो HDMI केबल्स होती हैं ना, इनको मैं इसी तरीके से रैप करके रखती हूँ, बिकॉज इनमें ज़्यादा लेंथ नहीं होती है, तो इनको हम ज़्यादा फोल्ड करके नहीं रख सकते हैं। देखिए एक छोटे से डब्बे में ये सारी वायर्स कितने अच्छे तरीके से फिक्स हो गई हैं। ना वायर्स को अरेंज करने के लिए आप किसी भी तरीके का टिन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का लंबा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, ज़रूरी नहीं आपको प्लास्टिक बॉक्स ही चाहिए। मैं इस टिन बॉक्स में इवन अपना जो फ़ोन का चार्जर और केबल होता है वो भी रखती हूँ, सो दैट सबके फ़ोन के चार्जर्स केबल्स अलग रहें और किसी का भी मिक्स एंड मैच ना हो। इस तरीके से देखिए, सबकी जो वायर्स हैं अलग अलग रहती हैं, आप इन पर लेबल भी कर सकते हैं, और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इस तरीके का अगर आपके पास सेट हो, इसको आप कहीं पर भी डिस्प्ले में लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा, आपका एक डेकोरेटिव पीस भी घर पर लग जाएगा दिखाने के लिए। और क्लीन करना तो इसको इजी है, सिंस ये टिन का है, गीले कपड़े से वाइप कीजिए और क्लीन हो गया। ये देखिए कितनी सारी वायर्स इसमें आ गई हैं और कितना सुंदर लग रहा है। नाउ जो लोग कंप्यूटर्स पे और फ़ोन्स पे ज़्यादा काम करते हैं, SSDs, हार्ड ड्राइव्स, इतनी सारी चीज़ें जो अटैच करके रखते हैं, वो मुझसे ज़रूर अग्री करेंगे कि उनकी तारें संभालना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके से आपकी सारी तारें एक डब्बे में रहेंगी, आपका वर्क डेस्क क्लटर नहीं रहेगा। क्लटर होगा तो देखो, वर्क डेस्क अगर क्लटर होगा तो न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप काम पर भी कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाओगे। सो ज़रूर अपना वर्क डेस्क साफ़ रखिए और क्लटर फ्री रखिए, तारों को बहुत अच्छे से सुलझा के रखिए।
नाउ ये वाला जो DIY होम हैक है ना, ये मेरा फेवरेट है। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गुड नाइट की मशीन, ऑल आउट की मशीन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, और इस तरीके की एक मल्टी टूल किट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, घर के लिए परचेज ज़रूर कर लो। यहाँ पे मैं स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर रही हूँ और इसमें से खोल के हमें एक पार्ट निकालना है। जस्ट प्रोसेस फॉलो कीजिए और बहुत अच्छा एक DIY निकल के आएगा। मैं इसको कंटिन्यूस 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो कुछ इस तरीके की ऑल आउट की मशीन अंदर से लगती है, आई मीन गुड टाइप की मशीन कुछ इस तरीके से अंदर की लगती है। यहाँ पर ये जो आपको ग्रे कलर के छोटे छोटे से नट दिख रहे हैं, इनको हमें लूज़ करके बाहर निकाल देना है। और देखिए अब इसके बाद क्या मैं इसका बना देती हूँ। आपने अगर ये बना लिया ना, आप भी खुश हो जाओगे इसका जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्रे पार्ट निकालने के बाद मशीन कुछ ऐसी लग रही है, थोड़ी अजीब लग रही है, कोई बात नहीं, इसको जस्ट अब हमें ऊपर ही लगा देना है। बट स्क्रू लगाने से पहले हमें इसमें एक कील इस तरीके के अंदर डाल देनी है, और साथ में जो हमारे पास टी लाइट कैंडल होल्डर का प्लेट होती है वो हमें इसके अंदर डाल देनी है। दो ये एडजस्टेबल होती है, आप स्क्रू करने के बाद भी डाल सकते हो। तो मैं इसको पहले डाल रही हूँ और बाद में स्क्रू टाइट कर रही हूँ। आपको ये जीनियस होम हैक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे भी कुछ स्मार्ट होम हैक्स आ रहे हैं अभी वीडियो में, उनके लिए भी बने रहो। और ये बन गया, तैयार हो गया है हमारा कपूरदानी, इलेक्ट्रिक कपूरदानी। इसका टेम्परेचर मैंने नॉर्मल से फास्ट में कर दिया, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कपूर की कुछ बॉल्स। सो मैंने एक ही बॉल ली है और ये मैंने इस प्लेट में डाल दिया, जो हमारी टी लाइट कैंडल होल्डर वाली प्लेट थी। इसके नीचे जो मैंने आपको एक बताया एक पेज था, उसकी वजह से ये जो टी लाइट कैंडल होल्डर है ये गर्म होता रहेगा और हमारा कपूर धीरे धीरे मेल्ट होके फ्रेग्रेंस करता रहेगा पूरे रूम में। और ये तैयार हो गया आपका जीरो कॉस्ट इलेक्ट्रिक कपूर डिफ्यूज़र मशीन। कभी भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना, नॉर्मल गुड नाइट की तरह यूज़ करना है, तो आप ये सारी सेटिंग्स इसमें से हटा दो। नॉर्मल नीचे इसमें गुड नाइट की रीफिल लगा दो, और ये आपको आप मॉस्किटो रेपेलेंट की मशीन जो नॉर्मल होती है वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। आपकी मशीन इसमें बिल्कुल भी हार्म नहीं होगी, क्योंकि आपने इसमें अंदर मशीन की मशीनरी टच नहीं करी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अभी, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, कुछ दूसरा ही कंटेंट जाता है इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट जो मैं होम हैक बनाने वाली हूँ वो कुछ इस चीज़ से बनाने वाली हूँ। ये डोर हैंगर है, बट एक्चुअली ना ये टूट गया था, इस तरीके से हो गया था, तो मैंने इसको पूरा ही चॉप कर दिया, बट अभी भी इसमें हैंग करने वाली स्पेस बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसमें डबल साइड टेप यूज़ करने वाली हूँ। अगेन इस सब चीज़ों का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ही चेक कर लेना। इसकी बैक साइड पर मैंने इस तरीके से टेप लगा दी, और इसको मैं डोर की बैक में यूज़ करने वाली हूँ, पेस्ट करने वाली हूँ। और उससे जो हम बनाने वाले हैं ये एक्चुअली मेरा ट्विन काम करने वाला है। इसके साथ मैं एक डबल स्टोरेज बनाने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने इस पे अपना केबल चार्जर लगा दिया है, फ़ोन का चार्जर, बिकॉज ना चार्जर सारी जगह रुलते रहते हैं तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती थी, और मुझे कुछ इनको हाइड करने के लिए जगह चाहिए थी, और ईजिली एक्सेसिबल भी होना चाहिए ऐसी जगह चाहिए थी। तो दरवाज़े के पीछे कपड़े टांगने की बजाय मैंने उसको चार्जर को ही टांग दिया। अब यहाँ पर डबल स्टोरेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और कमांड हुक इस पर लगा दिया है, यहाँ पे दो फोन्स के चार्जर आराम से लग गए। वाह यार, जीनियस है बिल्कुल, मैं तो जीनियस होम हैक्स ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाउ इसकी साइड्स में अभी इतनी जगह है कि और भी कुछ वायर्स इसमें हैंग हो सकती हैं जो मुझे डेली यूज़ लगती हैं। इवन मैं अपने वायर हेडफोन्स भी यहाँ पे लगा सकती हूँ, ईयरफोन्स लगा सकती हूँ। और अगर मुझे ये सब चीज़ें यहाँ यूज़ नहीं करनी है तो नॉर्मल इसको मैं कपड़ों के स्टैंड की तरह यूज़ कर सकती हूँ। पूरा अच्छा वेट, आई मीन इस पर 3 जीन्स या 2 जीन्स फुल जेंट्स की, मेल्स की जीन्स इस पर टंगी हुई है, और एक मेल हुडी टंगी हुई है, मतलब 4-5 कपड़े इस पर आराम से आ जाते हैं। इसका मैं इस तरीके से स्मार्टली यूज़ करती हूँ, देखा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किया है मैंने। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, इस तरीके के बेड्स हम लोगों के मोस्टली घरों में होते हैं, पुराने बेड्स होते हैं, बहुत सॉलिड बेड होते हैं। इन बेड्स के साथ ना आपको बेड साइड टेबल एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इनमें अपना इनबिल्ट स्टोरेज ही इतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं ड्रॉर्स की साइड में ना इस तरीके से कचरा भरने की बजाय, बिकॉज बेड बैक है और सिर यहाँ पर आना होता है, तो कचरा भरने की बजाय ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ जो कि अच्छा सिस्टमैटिकली तरीके से अरेंज्ड हो। कोई भी ऐसी, इवन मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यहाँ नहीं रखती हूँ। आप देख रहे हो कि सब जगह बाकी यहाँ पे खाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जाएंगे तो पिलोज जाएंगे, या फिर जो बेडिंग का सामान है, लिलन्स हैं, वो जाएंगे। अदरवाइज़ बेड बैक बिल्कुल क्लीन है, बिकॉज़ यहाँ पे सिर होता है सोने के टाइम, एंड सिर पे ज़्यादा बोझ चाहिए नहीं होता है। तो अगर आपके पास इस तरीके का बेड है उसको क्लीन कीजिए, ड्रॉर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन कीजिए। पुराने बेड्स भी अच्छे तरीके से यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको साइड स्टोरेज टूल्स ही लेने हैं बेड को अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए, अच्छे से डेकोरेट करने के लिए।
इवन मैंने अपने चैनल पे हाउ टू स्टाइल दिस ओल्ड स्टाइल ऑफ बेड एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें आप इसको एक शीक लुक दे सकते हो। वो वीडियो ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो या फिर आई बटन में होगा। यार ठंड का मौसम आ गया और कपड़े सूखने में टाइम लेता है। मेरे को ना एक छोटा साइड स्टैंड बनाना था जो कि मेरा टूट गया था बिकॉज ऑफ बहुत गर्मी, तेज़ धूप और बारिश की वजह से। तो उसके लिए मैं ये वायर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास वायर नहीं है तो आप रस्सी भी यूज़ कर सकते हो। और ये पिजन ने बहुत परेशान करके रखा है यार, ये रोज़ आके यहाँ पे बैठ जाते हैं और इतना गंद मचाते हैं ना कि मुझे ये एल ब्रैकेट निकालना ही पड़ा। तो चलो अब एक छोटा सा स्टैंड बनाते हैं, पोर्टेबल स्टैंड जो कि कहीं पे भी लग जाए और इसमें सॉक्स या छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, मास्क वगैरह सब टंग सके। मैंने एक वायर ली है और उसमें कुछ पुरानी चिमटियाँ मैंने डाल दी हैं और उसको साइड की ग्रिल पर मैंने लॉक कर दिया है, फोल्ड करके एक लूप बना के लॉक कर दिया है। और अब देखो इसमें सॉक्स कितने अच्छे से आ गई हैं। सॉक्स हो, हैंकीज़ हो, फेस मास्क हो, जो भी छोटी मोटी चीज़ें। देखो मैंने यहाँ पे अपना हेयर एक्सेसरीज़ का पाउच भी टांगा हुआ है जो कि जल्दी सूख जाएगा। ठंड में ना एक्चुअली कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं, तो हमें जितनी स्पेस हो उतनी कम पड़ती है। उसके लिए हमें स्पेस यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है और अलग अलग स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। सो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपने घर में पुराने टॉवल्स का रीयूज़ कैसे करते हैं या फिर टी शर्ट का रीयूज़ कैसे करते हैं? मैं इस तरीके से पीसेस कट करके रख लेती हूँ, एक डब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ, और जब मुझे जितने पीसेस चाहिए होते हैं उनको मैं डस्टिंग, किचन क्लीनिंग, स्लैब क्लीनिंग, मिरर क्लीनिंग होनी है, किसी भी तरीके की क्लीनिंग में यूज़ करके और उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। ज़्यादा उनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मैंने इस तरीके का एक स्टील का डब्बा रखा हुआ है जो कि कटलरी स्टैंड है, एंड उसके अंदर मैं इस तरीके से 5-6 पीसेस निकाल के रखती हूँ और बाकी जो पीसेस हैं मैं अपने प्लास्टिक के डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ टू सेव देम फ्रॉम डस्ट। और इस तरीके से क्लीनिंग हो जाती है, साथ में मुझे वाइप्स की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है, पुरानी चीज़ रीयूज़ भी हो जाती है। पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने की बात हो रही है तो पिल्लो कवर्स को कैसे भूल सकते हैं, जो कि कॉटन मटेरियल के होते हैं और फेड हो चुके होते हैं, हम उनको दोबारा बेडिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो उनको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। इसका मेथड क्या है बनाने का वो शॉर्ट्स में आएगा, तो शॉर्ट्स को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही ईजी आइडिया है आपकी डर्टी लॉन्ड्री स्टोर करने का, इकोनॉमिकल है और बहुत ईजिली आपकी लॉन्ड्री स्टोर कर लेगा, इवन वॉशेबल भी है। पूरा का पूरा मेथड आपको शॉर्ट्स में मिलेगा। कैसा लगा ये मेथड और कैसा लगा ये DIY हैक ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। इनमें से आपका फेवरेट होम हैक कौन सा रहा वो भी कमेंट करके बताना, और अगर इनमें से आपको यूज़ करते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। देखो घर के काम ना अनलिमिटेड होते हैं, अब अनलिमिटेड कामों के साथ आप पूरा दिन घर के कामों में ही लगे रहोगे तो अपने लिए टाइम कब निकालोगे? तो उनके लिए आपको स्मार्ट होम हैक्स की ज़रूरत पड़ती है, वही मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 22 जीनियस होम हैक्स बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और आपको वो पावर को बरकरार रखना है। डीक्लटरिंग का ब्रह्मा सीरीज़ आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, टेक केयर।